इस पूरे सवा साल के अंदर चौधरी सरवर आया, खान ने मुझे फोन किया, चौहान यार इसका जवाब देना है अप्रैल के पहले दो दिनों में। मेरी इतना बुजुर्गी वाला रिश्ता था चौधरी सरवर से, मैंने एक लम्हा नहीं लगाया, मैंने गवर्नर हाउस के गेट के ऊपर माल रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी की तैसी फेर दी। उससे कोई 15-20 दिन गुजरे, ओन चौधरी आ गया, खान का डायरेक्ट फोन, चौहान यार इसका कोई और जवाब। वो जो 6 मिनिस्टर पाले हुए थे लाहौर में, दूध पीड़ नू भाग परी धोन कुटाण जुमा, किसी की पसली नहीं, ना गवर्नर सरवर के खिलाफ किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की को जवाब दिया। फयाज चौहान, ओन चौधरी आया लाहौर का था, खान फोन कर रहा है, मैंने ओन चौधरी मेरा रिश्तेदार था, मैंने उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। 1-2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, मीडिया टॉक, असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर। कोई 20-25 दिन गुजरे, अलीम खान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त, खान का फोन, चौहान अपने दोस्त नईमुल हक को भेज रहा हूँ, वो LDA वाले नईमुल हक जो फोत हो गया, वो नहीं, उसके पास डॉक्यूमेंट है, इसका जवाब तो नहीं देना है, तो बाकी वो मिनिस्ट्रियाँ करेंगे। फयाज चौहान ने अलीम खान से अपना ताल्लुक बिगाड़ लिया, जो हुआ सारी दुनिया ने देखा। वक्त गुजरता गया, जो बुरा वक्त आए, 10 अप्रैल को हुकूमत गई, 10 अप्रैल से लेकर 17 जुलाई के इलेक्शन तक ऑन ओथ कह रहा हूं कि मियां महमूद रशीद, मियां असलम मुराद रास, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमायों यासर, जो नजरियाती हम 6-7 थे उनमें से मेरे अलावा, किसी एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इस 3.5 महीने के अंदर हो, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। शाम को मीडिया टॉक, वो क्या कहते हैं, टॉक शो करना, वो बड़ा आसान होता है, आए 32 मिनट का टॉक शो, 4 पार्टिसिपेंट, 2-2 मिनट की आए माए शाही की, चले गए। मीडिया टॉक और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है जो आपने 15 मिनट से लेकर 30 मिनट अपने धड़े का धड़ा कुटना होता है और मुखालिफ की जनाब आपने मंजी ठोकनी होती है, वो ठीक है उन्होंने।